My friends, in this video we will discuss Newton's law of motion. So there are three laws of motion. The first law of motion is also known as law of inertia. The law of inertia is every body continues in the state of rationary uniform motion until or unless an external force acts on it. This means कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी या तो रेस्ट वाली स्टेट में रहता है या फिर यूनिफॉर्म मोशन वाली स्टेट में रहता है जब तक आप उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, ठीक है। दिस मीन्स अगर ये ऑब्जेक्ट है और ये रेस्ट में रखा हुआ तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहेगा जब तक आप इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। और आपको भी पता है कैमरे कार, ठीक है, कहीं पर रेस्ट पर खड़ी हुई है तो जब तक आप उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है, तब तक वो कार मोशन में नहीं आएगी, ठीक है। नेक्स्ट, आवर सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। दिस मींस जब भी कोई सी ऑब्जेक्ट पे हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं और फोर्स अप्लाई होने के बाद उस ऑब्जेक्ट के मोमेंटम में चेंज होता है, ठीक है, तो टाइम के साथ जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम इज ऑल्सो नोन एज अप्लाइड फोर्स। सो dt upon dt is directly proportional to f, clear? This means f is directly proportional to dt upon dt, where f is force, p is momentum of the object and d by dt is the rate of change, ठीक है। So f is equals to proportional to sin theta की constant लेके आएंगे, f is equals to k dt upon dt is equals to k d by dt और p last video में हमने देखा था p किसके equal होता है, p is linear momentum, this means mass into velocity. तो p इक्वल्स टू m, मास इज कांस्टेंट, सो इसको डिफरेंशिएशन से बाहर रखते हैं k into m and dv by dt इज द एक्सेलरेशन, सो f इज इक्वल्स टू km a, वेयर a इज द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। सिंस k इज इक्वल्स टू 1 बिकॉज़ k क्या है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, तो इसको कंसीडर करते हैं k इज इक्वल्स टू 1, सो f इज इक्वल्स टू m, क्लियर। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो defined as the product of mass and acceleration of an object is not equal to the force applied on it. Our third law of motion is to every action there is always an equal or opposite reaction. This means जब भी आप किसी object पे force apply करते हैं तो object भी आपके ऊपर इतना ही force apply कर रहा है but opposite direction, ठीक है। So if we have two objects A and B and the force on A due to B is FAB, ठीक है, एंड द फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए एफ बी, सो एफ ए बी इक्वल्स टू माइनस एफ बी। दिस मीन जितना फोर्स ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेगा ये ऑब्जेक्ट भी सेम उसी अमाउंट में फोर्स ए पर अप्लाई करेगा, ठीक है, बट नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट द डायरेक्शन ऑफ एफ ए बी एंड एफ बी आर अपोजिट, क्लियर। थैंक यू।